क्या आप कंटिन्यूअसली हैवी वर्कआउट कर रहे हैं पर आपको आपकी बॉडी पर वो इफेक्ट नजर नहीं आ रहा? क्या आप वर्कआउट करते वक्त बहुत ज्यादा बॉडी पेन या थकान महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि प्रोटीन शेक या खाने में हाई प्रोटीन लेने का आपके वर्कआउट से कोई रिलेशन नहीं है? तो यू माइट बी टेकिंग अ वेरी रॉन्ग अप्रोच माई फ्रेंड्स। वेलकम एवरीबॉडी, टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट अ क्रिटिकल क्वेश्चन जो मुझे बहुत लोग कंटिन्यूअसली पूछते रहते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया है कि आपको वर्कआउट करते वक्त सही तरह का प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन अगर वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते वक्त आप इनफ प्रोटीन नहीं ले रहे तो इससे आपके वर्कआउट या आपकी बॉडी पर क्या फर्क पड़ेगा? इसका सीधा आंसर तो यही है कि ऑब्वियसली फर्क तो पड़ता ही है एंड बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन इन डिटेल्स क्या फर्क पड़ेगा और किस तरह से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं या इसके इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं, इन सारी बातों के ऊपर आज का ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगा। यहाँ आई विल बी शेयरिंग विथ यू स्पोर्ट्स साइंस एंड न्यूट्रिशन रिसर्च जो मैंने इस टॉपिक पर कलेक्ट किया है, एंड थोड़ा बहुत मैं आपको डाइट्री प्रोटीन और मसल ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर प्रोटीन के इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी बॉडी को एवरी डे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए ही होता है, इवन एसेंशियल डेली टास्क के लिए भी, एंड ऑफ कोर्स मसल बिल्डिंग के लिए तो चाहिए ही होता है। पर आपको ये समझना होगा कि आपको दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ये आपकी डेली एक्टिविटीज एंड आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। जितना आपका वर्कआउट हैवी होगा या एथलेटिक एक्टिविटीज या हैवी वेट लिफ्टिंग होगी या जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप अपना वर्कआउट करेंगे उतनी ही आपकी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। डू यू नो कि आप डेली लाइफ में और जो भी काम कर रहे हैं जिसमें एक्चुअली जोर लगता है या आपको लिफ्टिंग करनी होती है, ये भी वर्कआउट में काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, शेफ हो या हाउसवाइफ, आपको किचन में दिन भर में खाना बनाने की प्रिपरेशन करना, खाना बनाने में फिजिकल मेहनत करनी पड़ती है। सिमिलरली अगर आपका खुद का बिजनेस है जिसमें आपको फिजिकली सामान को स्टोरेज में रखना पड़ता है या दिन भर कस्टमर से मिलना पड़ता है, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स खोल के दिखाने पड़ते हैं एंड फिर सही तरीके से उठा के रखना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को जब आप घंटों तक करते हैं तो इसमें भी आपकी काफ़ी सारी फिजिकल एनर्जी लॉस होती है। ऐसे केसेस में भी आपको नॉर्मल से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। आप चाहे मसल गेन या फैट लॉस करें या रेगुलर डेली रूटीन टास्क करें, आपको प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए चाहिए ही चाहिए। वैसे तो मैं एक अलग से वीडियो इस टॉपिक पे ला रहा हूँ कि आपको किस कंडीशन में स्पेसिफिक दिन में कितना प्रोटीन चाहिए, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अप्रॉक्सीमेट डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को ही समझ ले तो काफी है। अगर हम अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के डाइटरी गाइडलाइन को मानकर चले तो हमें हमारी डेली कैलोरीज का 10-35% प्रोटीन से आना चाहिए, 45-65% कार्ब से आना चाहिए, 20-35% फैट से कैलोरीज आनी चाहिए। इस केस में अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, जो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करनी पड़ ही रही है तो आपको एटलीस्ट प्रोटीन से मिनिमम 10% ऑफ योर डेली कैलोरीज की रिक्वायरमेंट लेनी चाहिए। एंड अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो प्रोटीन से कैलोरीज के अपर लिमिट मैक्सिमम 35% ऑफ योर डेली कैलोरी लिमिट फॉलो करना आपकी डाइट के लिए सबसे सही रहेगा। प्लीज मेक श्योर कि इस केस में 35% से ज्यादा कैलोरीज लेना माइट बी डेंजरस, लेकिन व्हाट हैपन व्हेन यू लिफ्ट वेट एंड टेक इवन लेस देन 10-35% ऑफ योर डेली कैलोरीज ऑफ प्रोटीन, तो उससे आपकी बॉडी प्रोटीन क्राइसिस में चली जाती है। एक्चुअली जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है, पर ये रिक्वायरमेंट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में और उससे मसल बनाने में आपकी बॉडी में दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं जिसको कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन प्रोसेस को बोलते हैं एंड एनाबॉलिज्म मतलब उस ब्रेकडाउन से मिलने वाले फाउंडेशन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके मसल के सेल का ग्रोथ होना। कैटाबॉलिज्म में प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है एंड सबसे सिंपल फॉर्म है जिसमें ब्रेक करने के बाद ही बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। अमीनो एसिड्स के फॉर्म में प्रोटीन को बॉडी इसलिए ब्रेक करती है क्योंकि न्यू मसल सेल्स के लिए बॉडी को प्रॉपर फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। जिस तरह से प्लांट्स को फर्टिलाइजर दिए जाते हैं फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ, उसी तरह से मसल्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है जो इन अमीनो एसिड से ही मिलते हैं।
लेकिन जब आप वर्कआउट ज्यादा करते हैं और प्रोटीन ठीक से नहीं लेते तो आपकी बॉडी में प्रोटीन कैटाबॉलिज्म या ब्रेकडाउन होता तो है, पर उसे जरूरत के लायक अमीनो एसिड्स नहीं मिलते। कम अमीनो एसिड्स मिलने की वजह से न्यू मसल्स बिल्डअप के लिए एनाबॉलिज्म अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता, मतलब ब्रेकडाउन ज्यादा होता है एंड रीबिल्डिंग ऑफ मसल्स का परसेंटेज कम हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताओ तो ज्यादा वर्कआउट के मुकाबले कम प्रोटीन लेने से आपकी बॉडी में मसल्स भूखे रह जाते हैं, एंड ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस ने भी कंफर्म किया है। तो चलो देखते हैं। पीडब्ल्यू लेमन एंड जेपी मलिन ने अप्रैल 1980 में ये स्टडी कंडक्ट किया, जिसको जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में भी पब्लिश किया गया। इस स्टडी में 6 पार्टिसिपेंट ने 1 घंटे तक अपने 61% फिजिकल कैपेसिटी में एक साइकिल एर्गोमीटर या स्टेशनरी साइकिल पे पेडलिंग की। उनके एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उनके प्री एक्सरसाइज सीरम, यूरिन और स्वेट का सैंपल लिया गया। उनके एक्सरसाइज खत्म करने के बाद उन्हें 240 मिनट्स रिकवर करने को दिया गया, एंड फिर उनका पोस्ट एक्सरसाइज सीरम, स्वेट एंड यूरिन सैंपल लिया गया। पहले तो ये दिखा कि पोस्ट एक्सरसाइज एंड प्री एक्सरसाइज स्वेट एंड यूरिन हैड यूरिया एंड इन देम। यूरिया एंड नाइट्रोजन का फॉर्म है जिसका स्वेट एंड यूरिन में दिखने का मतलब है कि पोस्ट एक्सरसाइज एंड प्री एक्सरसाइज दोनों ही टाइम में बॉडी कंटिन्यूअसली प्रोटीन को ब्रेक करके नाइट्रोजन बनाती जा रही थी। दोनों टाइम के रिजल्ट को कंपेयर करने पर देखा गया कि जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपके स्वेट एंड यूरिन में यूरिया या बॉडी के नाइट्रोजन का परसेंटेज सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जब आप ज्यादा एफर्ट से वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी उतनी ही तेजी से आपके बॉडी के प्रोटीन को ब्रेकडाउन करती है एंड उसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से आपके ब्लड एंड स्वेट में नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो अब अगर आप वर्कआउट के साथ नाइट्रोजन इतना ज्यादा रिलीज करेंगे तो प्रोटीन भी उतना ही लेना होगा, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन बनता है वो प्रोटीन से बनता है आपकी बॉडी में। जैसे ज्यादा स्वेट आने से आपको प्यास लगती है, तो अगर आप ज्यादा स्वेट के टाइम पानी नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। वैसे ही ज्यादा नाइट्रोजन रिलीज होने पे अगर आप ज्यादा प्रोटीन नहीं लेंगे तो क्या होगा आपकी बॉडी के साथ? तो न्यू प्रोटीन के एब्सेंस में न्यू नाइट्रोजन नहीं बनेंगे, जिससे आपकी करंट मसल्स के नाइट्रोजन को ही आपकी बॉडी अपने पसीने में लीक करना शुरू कर देगी। इन सिंपल टर्म्स, आपके मसल्स को न्यू फर्टिलाइजर नहीं मिलेंगे और पुराने न्यूट्रिएंट्स या जो फर्टिलाइजर है अंदर वो भी उससे लीक करने लगेंगे, तो आपके मसल्स स्टार्वेशन मोड पे यानी भूखे रह जाएंगे। अब आपको ये समझ आ गया है कि वर्कआउट के बाद लो प्रोटीन लेने से मसल स्टार्वेशन होता है, एंड प्रोटीन इस वजह से लेना चाहिए ताकि मसल के सेल में प्रॉपर नाइट्रोजन बैलेंस बना रहे। लेकिन जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं पर प्रोटीन नहीं ले रहे तो आपके सेल्स में नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है। अब आपको ये बताता हूँ कि इस वजह से आपको क्या क्या फिजिकल प्रॉब्लम्स दिखने लगेगी। चलो, जब आप वर्कआउट के मुकाबले लो प्रोटीन लेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी बॉडी आपके मसल्स को उतने रेट पर बिल्डअप नहीं कर पाती जितने रेट पर आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी मसल्स में गेन से ज्यादा लॉस हो रहा होता है। आपको कम टाइम तक ट्रेन करने पर भी ओवर ट्रेनिंग का इफेक्ट दिखने लगेगा। आपको जितना एफर्ट वर्कआउट करने के लिए लगाना चाहिए आपको ऐसा लगेगा कि आपको उससे ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है। इवन कम वक्त के लिए भी अगर आप वर्कआउट करते हैं तो भी आप जल्दी थक जाते हैं। वर्कआउट करते वक्त आपके मसल्स में माइनर या माइक्रो टीयर्स आते हैं, या जो पेन होता है वो आपको ज्यादा देर तक महसूस होगा। ये स्लो हीलिंग प्रोसेस की वजह से होता है। इसी वजह से जो भी आपका मसल बिल्डअप होता है वो भी वीक बिल्डअप होता है, एंड आपको वर्कआउट से इंजरी के चांस फर्दर इंक्रीज हो जाते हैं। स्लो हीलिंग की वजह से मेजर इंजरी का एक लेटेस्ट एग्जांपल है बॉडी बिल्डर रायन बिगरिक क्राउली। क्राउली का वेरी रिसेंटली आपने दिल दहलाने वाला वो वीडियो तो देखा होगा, जिसमें 220 केजी का बेंच प्रेस करते वक्त ऑन वीडियो उनका पेक्टोरल मसल फट गया एंड खून निकलने लगा। ध्यान दीजिएगा कि रायन एक बहुत ही एक्सपीरियंस एंड ट्रेन्ड लिफ्टर थे। इस वीडियो के दौरान उनके ट्रेनर भी उनके साथ थे। दिस मीन्स दैट टेक्निक की गलती की वजह से ये एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब इस केस में ये एक्सीडेंट हैवी वेट के स्ट्रेस से हुआ है, पर रायन कंटिन्यूअसली वर्कआउट करते रहे एंड उन्होंने अपनी बॉडी को बहुत रेयरली प्रॉपर रेस्ट दिया था, जिसकी वजह से उनके पेक्टोरल एंड आर्म मसल में डेफिनेटली माइक्रो टीयर्स के होने का चांस थोड़ा ज्यादा था। इसी वजह से उनका ये एरिया ज्यादा इंजरी प्रोन था। एडिमा मीन्स बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द मसल्स। काफी बार आपने नोटिस किया होगा कि वर्कआउट के बाद आपके पैरों के जॉइंट्स में या हाथों के जॉइंट्स में काफी स्वेलिंग आ जाती है और बहुत ज्यादा पेन रहता है,
और वो हील होने में भी काफी टाइम लेता है। ये इन्फ्लेमेशन या वर्कआउट के बाद की स्वेलिंग एडिमा की वजह से होती है, क्योंकि आपके मसल्स में नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस की वजह से फ्लूइड बिल्डअप होता है। दिस ऑल्सो इफेक्ट्स द मसल हीलिंग प्रोसेस। नेगेटिव नाइट्रोजन की वजह से इंसोमनिया की प्रॉब्लम होने लगती है, बिकॉज आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी की वजह से प्रॉपर हार्मोन प्रोडक्शन नहीं हो पाता। ये तो आप पिछली वीडियो से जान ही चुके हैं कि प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल एंड थायराइड जैसे मेजर हार्मोन प्रोडक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और आपकी बॉडी में हार्मोन करेक्टली मॉडरेट ना हो तो इट विल अफेक्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर डेली रूटीन। अगर कोई वेट लिफ्टर या एथलीट इनएडिक्वेट प्रोटीन ले तो इसके बारे में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ने एक एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन रिव्यू में एक डायरेक्ट कोट दिया है। इफ एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइट, एन एथलीट विल मेंटेन अ नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस विच कैन इंक्रीज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एंड स्लो रिकवरी। जितने टाइम तक आप अपनी बॉडी को ऐसे इम्बैलेंस में रखेंगे उतने ही टाइम तक आपका लीन मसल वेस्ट होता रहेगा और आप में ट्रेनिंग इंटॉलरेंस आ जाएगी। ट्रेनिंग इंटॉलरेंस का मतलब है कि ट्रेनिंग के बाद पेन और ट्रेनिंग के वक्त फटीग और टायर्डनेस इतना ज्यादा होगा कि ऐसे केसेस में उस इंसान को ट्रेनिंग को लेकर के डर सा आने लगेगा। उस पेन को अवॉइड करने के लिए यू विल स्टार्ट गिविंग अप योर वर्कआउट सेट सून, या यू विल गिविंग अप द अमाउंट ऑफ वेट दैट यू कैन एक्चुअली लिफ्ट। आपको यह ऑलरेडी पता है कि मसल हाइपरट्रॉफी के लिए ही हम डाइट मेंटेन एंड वर्कआउट कर रहे होते हैं, लेकिन व्हेन यू लूजिंग योर मसल मास इट विल बी कॉल्ड मसल एट्रॉफी। सो अगर आप वर्कआउट के साथ इनफ प्रोटीन नहीं ले रहे होते तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में जा रही होती है, बॉडी में रीबिल्डिंग से ज्यादा ब्रेकडाउन हो रहा होता है, तो आपकी मसल हाइपरट्रॉफी की जगह मसल एट्रॉफी हो रही होती है। इस केस में आप जिस वजह से वर्कआउट कर रहे हैं वो रीजन ही रिवर्स हो जाता है। तो थिंक अबाउट इट वेरी क्लियरली, अगर आपको ये सिम्टम्स अपने वर्कआउट में दिख रहे हैं तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, मेक अ न्यू डाइट प्लान, एड मोर प्रोटीन टू योर डाइट एंड सी द पॉजिटिव इफेक्ट्स इट हैज ऑन योर मसल बिल्डिंग प्लान। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं। आई विल बी बैक विथ मोर वीडियोज दैट हेल्प यू इन दिस जर्नी। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।